बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप तमाम प्यारे भाई खैरियत से होंगे। आप दोस्तों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, वो भी सुजुकी कंपनी की तरफ से, और मेरे सारे सुजुकी के लवर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। जैसा कि आपने काफ़ी न्यूज़ ये भी सुनी है कि पार्क सुजुकी ने जो है ना वो 40 साल के बाद अपनी सुजुकी बोलान और सुजुकी रावी को पाकिस्तान के अंदर जो है वो बंद कर दिया गया है। मींस के इसकी जो पुरानी गाड़ियां हैं वो पाकिस्तान में चलेंगी, सेल होंगी, सेलिंग परचेजिंग का काम चलेगा, रोडों के ऊपर गाड़ियां चलेंगी, किसी किस्म की कोई ममानत नहीं है। लेकिन इसकी नई गाड़ियां जो है वो नहीं बनाई जाएंगी। मींस के 2021 तक ख़त्म, 2022 में सुजुकी बोलान या सुजुकी कैरीडबा जिसको कहते हैं, और उसके अलावा सुजुकी रावी जो है उसको पाकिस्तान के अंदर नई गाड़ी को 2022 मॉडल में नहीं लाया जाएगा। उसकी शेप में एक बड़ी गाड़ी सुजुकी कैरीडबा के नाम से, जो कि एक बड़ी वैन है, उसी की आज हम बात करेंगे। और इसके ये भी एक बात करेंगे कि क्या इसकी कीमत को 10 लाख से कम होना चाहिए या 10 लाख होना चाहिए, क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेड जो प्राइस है वो भी आपको आज की इस कंप्लीट वीडियो में बताएंगे। आपको तमाम तर डिटेल से मैं आगाह करूंगा, तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करूंगा, लेकिन आपने इस वीडियो को कम्प्लीट देखना है। अगर आपने अभी तक खटक ब्रदर्स को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑल पे इनेबल करें। पार्क सुजुकी ने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही 2021 स्टार्ट हुआ और पाकिस्तान में एक अलग ही हलचल मच गई, पाकिस्तान में डिफरेंट कंपनियां जो हैं वो अपनी गाड़ियां लॉन्च करवाने लग पड़ी, लेकिन ये आज से पहले 5, 7, 8 साल पहले ऐसे नहीं हुआ कि अचानक इतनी कंपनियां जो हैं अपनी डिफरेंट गाड़ियों को, सेडान, एसयूवी, हैचबैक, डिफरेंट कैटेगरी की गाड़ियों को पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च करवाने लगी। लेकिन ये एक पाकिस्तान की कार इंडस्ट्री के लिए, कार मार्केट के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और उसके बाद आपने देखा है कि 6 महीने में बजट के बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक नई ऑटो पॉलिसी जारी की, जो कि मतलब 5 साल तक रहेगी, जो कि 2021 से लेके 2026 तक ऑटो पॉलिसी रहेगी। उसके थ्रू भी काफ़ी स्कीम्स का ऐलान किया गया, जिसकी आपको डिटेल वीडियोज जो है वो चैनल्स पर मिलती रहती हैं और इन फ्यूचर मिलती रहेंगी। तभी आपको कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। इससे होगा ये कि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट फॉल मिल सकेगी। ये 1000 सीसी के साथ नया कैरी लॉन्च किया जा रहा है, जो कि 2022 मॉडल बताया जा रहा है, और 1000 सीसी के साथ ये पांच गियर्स के साथ है। मींस के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गियर, एंड उसके अलावा सिक्स इसका जो है वो रिवर्स गियर है। इंटीरियर पे काफी आपको कोई एडवांस फीचर्स नहीं मिलते, लेकिन ये एक सिंपल डब्बा है, लेकिन उस कैरी बोलान के अंदर आप 8 पैसेंजर जो है वो इजीली ट्रैवल कर सकते थे ड्राइवर समेत, लेकिन इसके अंदर 12 पैसेंजर जो है वो इजीली ट्रेवल कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये एक हाई एस भी नहीं है, लेकिन ये कैरी बोलान है, लेकिन कैरी बोलान के नाम से वही चीज है, लेकिन इसकी शेप को जो है वो काफी अट्रैक्टिव बनाया गया है, ताकि जब कस्टमर इसकी तरफ जाए तो इसकी तरफ जाने के बाद इसको खरीदने पे जो है वो मजबूर हो जाए। इस गाड़ी के अंदर मैं अगर फीचर्स को कुछ डिस्कस करूं तो डुअल एसी का ऑप्शन प्री इंस्टॉल्ड आपको मिलता है। उसके अलावा गाड़ी की फ्रंट और बैक लाइट्स विद इंडिकेटर्स, सारे के सारे ऑप्शन आपको हेलोजींस लैंप्स में प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर इस गाड़ी की ट्रांसमिशन की बात करें तो एक बहुत ही अच्छा फैसला किया गया है, वो भी सुजुकी कंपनी की तरफ से, कि इसके डैशबोर्ड के ऊपर आपको जो है वो इसका गियर बॉक्स दिया गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैनुअल गियर ट्रांसमिशन के साथ आएगा। इसका सिर्फ एक वेरियंट ही पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, जो कि 5 गियर के साथ जो है वो 1.0 लीटर 1000 सीसी पेट्रोल इंजन के साथ आएगा। उसके अलावा गाड़ी के इंटीरियर पे आपको वही फीचर्स मिलते हैं, वही आपको सिंपल चीज़ें मिलती हैं, जो कि डिफरेंट और गाड़ियों में या पहले कैरी बोलान में होती थी। उसके अलावा इस गाड़ी में म्यूज़िक सिस्टम आपको प्री इंस्टॉल मिलेगा, और कंपनी की तरफ से एक बहुत ही ब्रांडेड कंपनी की सीट्स इंस्टॉल मिलेंगी, जो कि पहले कैरी बोलान में नहीं आती थी। और एक बहुत ही अच्छी आपको मैंने एक ख़बर सुनानी है, एक आपसे ओपिनियन लेना है। मैंने एक माइंड में एक चीज़ सोची, मैंने कहा क्यों ना ऐसी बात हो ताकि हमारी इस चैनल की बात के थ्रू जो है वो सुजुकी कंपनी तक ये बात जाए कि आप दोस्तों ने बताना है कि इसकी कंपनी ने जो एक्सपेक्टेड प्राइस बताई है वो 12 से 15 लाख है, मतलब 12, 13, 14 लाख के राउंड अबाउट हो सकती है। क्या आप चाहते हैं कि इस गाड़ी की कीमत 10 लाख या 10 लाख से कम हो? कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। अगर इसकी रेशियो ज़्यादा होगी कि आप ज़्यादा कहेंगे कि 10 लाख से कम गाड़ी होनी चाहिए, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो वायरल होगी और
और पार्क सुजुकी कंपनी तक जाए तो मे भी हो सकता है कि वो इस गाड़ी की कीमत 10-11 लाख तक जो है वो फिक्स कर दें। आज की इस वीडियो में यही डिटेल थी। कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी अपनी राय से आगाह करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।